धारदार हथियार से चार लोगों ने एक युवक पर जानलेवा हमला किया है। जिस युवक पर हमला हुआ है उसका नाम प्रथम गायकवाड़ बताया जा रहा है। इस हमले में प्रथम गायकवाड़ के गले पर वार हुआ है। बेखौफ बदमाशों की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि चार लोग बाइक से आकर उतरते हैं और प्रथम नाम के इस युवक को गली में दौड़ा लेते हैं। धारदार हथियार से इस दौरान प्रथम पर हमला किया गया। हालांकि इसने बचने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद इसके गले पर धारदार हथियार से वार किया गया। जानकारी के मुताबिक इसके पहले भी प्रथम के पिता संदीप गायकवाड़ पर भी हमला कर चुके हैं। हमले में घायल प्रथम ने बताया कि हमला करते वक्त ये आरोपी कह रहे थे कि उस वक्त पुलिस की वजह से तेरा बाप बच गया था, मगर अब तू और तेरा बाप दोनों नहीं बचेंगे। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के वजह से इन पर हमला हुआ है। ये पूरा मामला उल्लासनगर के मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हुआ है। रात के समय बेखौफ चार बदमाश धारदार हथियार से आते हैं और प्रथम गायकवाड़ नाम के युवक पर हमला कर देते हैं। इस हमले को लेकर प्रथम गायकवाड़ ने क्या कुछ जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। सचिदानगर उल्लासनगर 3, वहाँ पे मेरा घर है। तो मेरे मॉम डैड गांव गए थे क्योंकि मेरे मम्मी के पापा एक्सपायर हुए थे और मेरा FY का पेपर था करके मैं गांव नहीं गया। तो मेरे घर पे जो डॉग है, मैं वो डॉग को खाना देने यहाँ आया था। डॉग को मैंने खाना दिया, जस्ट खाना दे के मैं मेरे गेट के तरफ आया, बाहर खाली खड़ा था ममता नगर के इधर, और मैं मेरे दोस्त के साथ फ़ोन पर बात कर रहा था। उतने में दो जन गाड़ी पर आए, दो गाड़ी आई, वो दो गाड़ी दोनों बर्दमैन थी, एक ब्लू कलर एक ब्लैक कलर, और उस एक जन गाड़ी चला रहा था हितेन ठाकुर और एक अजय बाबू। हितेन ठाकुर ने मास्क लगाया था काला कलर का और गले में माल पहनी थी। हितेन ठाकुर, अजय बागुल, झिंगल और योगेश वाग, ये चार जन थे। तो उसने जैसे ही मेरे को देखा, मेरे को देख के चालू गाड़ी से नीचे उतरा और उसके कमर से उसने हथियार निकाला बड़ा सा और मेरे पीछे भागने लग गया। तो मैं भी मेरा जान बचा के आगे भाग रहा था, तो आगे चार लेडीज़ ऐसी बैठी थी एक इस पर, तो मैं वो लेडीज़ से हेल्प मांगी कि मेरे को बचाओ। तो फिर मैं वो लेडीज़ के पीछे छुप गया, वो लेडीज़ के पीछे छुप गया तो दो लेडीज़ अपनी, वो लेडीज़ को ना देखते वो लेडीज़ के सामने भी चाकू चला रहा था मेरे ऊपर, पर लेडीज़ मेरे सामने थी और लेडीज़ दो लेडीज़ उनके मतलब जान बचा के दो लेडीज़ भी भाग गए। फिर बची दो लेडीज़ थी मेरे पास मेरे सामने, फिर वो दोनों भी भाग गए। फिर उतने में वो दोनों जैसी लेडीज़ भाग गई तो उतने में मेरे उसने गले पे मारा। तो मेरे गले पे जैसे ही मारा तो मैं आगे भागा और आगे देखा तो रास्ता ही नहीं था, बिल्डिंग थी। तो बिल्डिंग थे तो मैं वहाँ से रिटर्न गोल घुमा तो उसने मेरे पीठ पे इधर और एक बार चाकू मारा। तो मैं उधर से वापस और भागा। फिर झिंगल करके लड़का है उसके साथ ही, उसने मेरा कॉलर पकड़ा, उसने मेरे को मारा। तो फिर मैंने उसका हाथ झटक के थोड़ा और आगे आया, तो अजय बागुल ने मेरे को गिराया नीचे और योगेश वाघ आके पीछे से मेरे को मेरे कमर पे लात मारा। और जब वो मेरे पे जब भी मेरे गले पे मारा तो उसने ये बोला कि तेरा बाप तो पुलिस वाले लोग की वजह से बच गया, अब ना तू बचेगा ना तेरा बाप बचेगा।